So, guys, we have studied last chapter, your first chapter that is historiography development in the West. But now we are starting with the mass media and history, that is your fifth chapter. Okay? So, just a first chapter, both important and interesting. So, mass media and history, wo bhi, both is interesting chapter and both is chapter You're going to enjoy. Let's proceed further with the mass media and history. So, देखो पे आपको टू वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं मास एंड मीडिया ठीक है सो मास एंड मीडिया का मतलब हुआ क्या देर इज टू वर्ड्स मास एंड मीडिया दोनों में कौन कौन से वर्ड्स हैं दो वर्ड्स हैं पहले मैं चैट्स प्लीज आप लोग चैट्स में बताइए ठीक है आपके जो भी डाउट्स होंगे या फिर मेरा समझ में आ रहा है आपको या फिर क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है प्लीज लेट मी सी इन योर चैट्स ओके हाय 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 एवरीवन हेलो हेलो नंदिनी यू जयश्री हेलो एवरीवन सो आई नो बहुत सारे बच्चे स्कूल में होंगे या फिर उनके प्रीलियम्स चलते होंगे बट डोंट वरी मैं उनके लिए भी ऑलवेज आई बी देयर फॉर देम आल्सो तब तक के लिए आप ये सारी चीजें जो मेरे वीडियोस है लाइव वीडियोस है वो शेयर कर सकते हो एंड उसको देख सकते हो ओके हाय एवरीवन। साइंस का लेक्चर कब होगा वो सर आपको बता देंगे कब होगा साइंस का लेक्चर बट नाउ यू आर हियर इन हिस्ट्री लेक्चर ओके हेलो हेलो हाय सादिक प्रशांत सर गोइंग टू टेक योर साइंस लेक्चर डोंट वरी ओके ही इज बिजी फ्रॉम कुछ और भी चीज़ें हैं करने के लिए बट टिल चोरली टेक योर साइंस लेक्चर डोंट वरी हाय श्रुति हाउ आनर्जेटिक श्योरली श्योरली आयरन आर्यन सॉरी सॉरी आर्यन ओके लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर मास मीडिया एंड हिस्ट्री सो वॉट यू मीन बाय मास मीडिया देर आर टू वर्ड्स मास एंड मीडिया उसके मतलब क्या है मास ओके मास एंड मीडिया सो मास का मतलब क्या होता है बहुत सारे लोग लॉट ऑफ पीपल टोटल नंबर ऑफ पीपल मास का मतलब क्या होता है पीपल लॉट ऑफ पीपल एंड डू यू मीन बाय मीडिया मीडिया का मतलब होता है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ठीक है कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपसे बात कर रही हूँ आप मुझसे बात कर रहे हो हम ये क्या कर रहे हैं इंफॉर्मेशन एक दूसरे में एक्सचेंज कर रहे हैं तो वही इंफॉर्मेशन एक्सचेंज तो कर रहे हैं विद कम्युनिकेशन बट उसके बहुत सारे मीन्स है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर देर ठीक है सो so मीडिया का मतलब क्या होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आते हैं लाइक like हो गया न्यूज मोबाइल टेलीविजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा so, ये सारे क्या है आपके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है आप जब भी टीवी खोलते हो आपको टीवी में दिखाई देंगे आज तक ये यहाँ चल रहा है आज इस दुनिया में ऐसा हुआ आज यहाँ पे वैसा हुआ सो so, हमको कहाँ से सारी चीजें पता चल रही है टीवी पे से रोज सुबह पापा मम्मी या फिर हमारे रिलेटिव हो गए हम हो गए रोज सुबह न्यूज वाला आता है हमको न्यूज पेपर जाता है सो so, न्यूज भी क्या है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है न्यूज के थ्रू भी हमें पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है ठीक है सो so, ये भी क्या है वन ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मोबाइल हो गया आजकल न्यूज़पेपर हम कैरी नहीं कर सकते हैं टेलीविजन कैरी नहीं कर सकते हैं बट मोबाइल तो सबके पास होता ही है मोबाइल तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया सोते जागते खाते पीते सबको क्या चाहिए रहता है मोबाइल बट मोबाइल में बहुत सी ऐसी एडवांटेजेस भी चीजें होती है जो आपको बहुत ही ज्यादा लाइफ में काम आने वाली है ठीक है सो वो भी क्या है मीन्स ऑफ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता सो दिस इज वॉट योर मास एंड मीडिया एंड ये मीडिया के थ्रू लोगों तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचती है सो दिस इज कॉल्ड मास मीडिया ओके सो लेट स्टार्ट विद द्यू चैप्टर मास मीडिया एंड हिस्ट्री सो हमने पढ़ लिया मास मीडिया क्या है मास मीडिया क्या है हमने वो देख लिया ठीक है एंड हिस्ट्री मास मीडिया एंड हिस्ट्री अभी देखो उसमें क्या क्या है इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया वाई डू वी नीड मास मीडिया आज हम ये दो पॉइंट कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया एंड हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया देखो यहां पे मास मीडिया कंटेंस टू वर्ड्स मास मीडिया जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मास मीडिया कंटेंस टू वर्ड्स पहला क्या है मास एंड सेकेंडली मीडिया का मतलब क्या होता है बहुत सारे लोग टोटल नंबर ऑफ पीपल एंड मीडिया का मतलब क्या होता है वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मीडिया का मतलब क्या होता है वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के जितने भी मोड्स है जितने भी तरीके हैं जिससे हमें, हमें सारी चीजों का नॉलेज होता है जिससे हमें सारी चीजें पता चलती है सारी चीजों ठीक है उसका मतलब क्या होता है मीडिया दैट इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन समझा नेक्स्ट थर्स मास मीडिया इज अ फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन ठीक है सो मास मीडिया क्या है फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन है लोगों तक कम्युनिकेशन जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाई जाती है वी कैन इजिली सेंड सम इंफॉर्मेशन टू अ फार अवे डेस्टिनेशन थ्रू अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन देखो पहले के जमाने में क्या होता था कि पहले के जमाने में अभी देखो हम मम्मी पापा को बातें करते हुए सुनते थे कि अभी तो लोग बच्चे लोग बहुत ही ज्यादा मोबाइल चला रहे हैं यहाँ वहां तक वीडियो कॉल कर लेते हैं बट हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं था हमारे टाइम पे क्या था हमारे टाइम पे लेटर होते थे वो लिखते थे फिर धीरे धीरे वो डब्बा मोबाइल आया डब्बा इन द सेंस लाइक नोकिया सैमसंग जो छोटा होता है बटन वाला हम सिर्फ उसको ही ऑपरेट कर पाते थे अभी तो एंड्रॉयड फोन आ गया है आई आ गया है सो so, लोग क्या हो रहे और ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं ऐसा मेरे मम्मी पापा बोलते हैं ना सो so, क्यों बोलते हैं बिकॉज दैट टाइम उनके पास इतनी कम ऑफ ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मोड्स नहीं होता था एक छोटा सा रेडियो होता था वहीं पे वो गाना भी सुन लेते थे वहीं पे जो भी न्यूज आते थे वो सुन लेते थे एंड लेटर अगर आ, मम्मी अगर गाँव में है पापा अगर मुंबई में है सो हाउ दे कॉन्टेक्ट विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ वर्ड विद द हेल्प ऑफ Letter, पत्र लिख के बट आजकल हमारे यहाँ पे क्या है कॉल करो वीडियो कॉल करो कहां पे हो कहां पे नहीं हो, एवरीथिंग हमारे फ्रेंड से मिलना है हम मिल नहीं पा रहे उसको देखना चाहते हैं फटाक से यूज टू डू वीडियो कॉल तो यहां तक ये यह सारी चीजें क्या है बहुत ही ज्यादा अब चीजें एडवांस हो चुकी है बट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था ठीक है अभी तो बहुत ही इजी वे से जस्ट व्हाट्सएप खोलो एक मैसेज पुट कर दो फटाक से चला जाएगा कि कहाँ पे है यहाँ पे चल रहे हो वहां पे चल रहे हो लेट्स डू पार्टी ये यहाँ पे अच्छा मैम ने नोट्स दिए थे अब उसके घर पे से जाने से अच्छा पहले क्या होता था कि पहले हम उसके घर जाते थे यार बुक दे दे नोट्स दे दे हम स्कूल नहीं गए हैं तो वो लोग मैम ने क्या क्या पढ़ाया है प्लीज प्रोवाइड मी है ना बट आजकल क्या है आजकल लोग ऑनलाइन का यूज कर रहे हैं यूट्यूब देख रहे हैं अगर मैम ने ये चैप्टर स्किप कर दिया है या फिर बोला है तुम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे तो मैं नहीं दोबारा इसको रिपीट करूंगी हम क्या करते हैं ओके मैम ठीक है फटाक से आएंगे मोबाइल पे लैपटॉप पे सर्च करेंगे यूट्यूब ये ये चैप्टर ये ये सर फटाक से हमको वो सारी चीजें प्रोवाइड हो जाती है है ना तो बहुत ही इजी तरीका हो गया आजकल अंडरस्टूड एवरीवन देखते हैं नेक्स्ट इन द ओल्डन डेज अ क्रायर वुड रन इन द स्ट्रीट्स बीटिंग ड्रम्स एंड क्राइंग आउट इंपॉर्टेंट न्यूज अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ द किंग The news would spread among people by word of mouth. अभी देखो आपने पहले के जमाने में क्या होता था पहले आप राजा महाराज के टाइम पे क्या होता था आपने टीवी में भी देखा होगा कि एक मोटू सा इंसान होता था या फिर कैसा भी वो ऐसे अपने स्टमक पे वो इतना बड़ा ड्रम रख लेता था ऐसे डंग 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 करके वो 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 पूरे पूरे स्ट्रीट में पूरे में बाजार वो, वो बजाते हुए जाता था क्रायर का मतलब होता है कि चिल्लाते हुए जाते हुए मतलब कि ऐसे बोल बोल के देखो आपने आ, बहुत, बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कि जब भी कोई राजा महाराजा आते हैं या फिर कभी वार होने वाला रहता है वहाँ पे छोटे छोटे टेंट्स होते हैं वहाँ पे लोग रहते थे एंड वो लोग क्या बोलते थे जागते रहो जागते रहो है ना फिर अगर कोई महाराजा वहां से गुजरने वाला है तो वो स्ट्रेटर जाता था वो क्रायर एंड बहुत धम डम 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 की आज राजा ने ये संदेश दिया है आज राजा ने ये संदेश दिया है सो वो ऐसे लोगों को बताते थे एंड क्या होता था सिर्फ वो एक जगह खड़े हो जाते थे एंड लोग वो इतनी जो ड्रम थी जो ड्रम की आवाज थी वो इतने दूर तक जाती थी कि लोग एक जगह आके इकट्ठा हो जाते थे कि राजा का संदेश आया है सो so, उस टाइम पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इस तरीके से होता था ठीक है सेकेंड चीज हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया अभी देखते हैं हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया इतिहास में मास मीडिया का क्या रोल था क्या कैसे क्या होता था आजकल तो बहुत सारी चीजें हो गई है बट समय समय से चीजें बदलती है तो वो कैसे बदली कैसे कैसे चीजें ग्रोन अप हुई वो देखते हैं हम प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज़ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज पेपर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज पेपर वर इंट्रोड्यूज इन इंडिया आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश अभी देखो यहाँ पे जब तक ब्रिटिश नहीं आए थे इंडिया में उसके पहले न्यूज पेपर छपा नहीं था न्यूज़ पेपर को बारे में कोई भी नहीं जानता था कि न्यूज़ पेपर होता क्या है बट आफ्टर अराइवल ऑफ़ ब्रिटिशर्स इन इंडिया जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उनके बाद जो भी न्यूज़पेपर प्रिंट होना स्टार्ट हो गया जो भी खबरें होती थी वो छपना स्टार्ट हो गई न्यूज थ्रू न्यूज फिर पीपल जो लोग थे वो इंफॉर्मेशन कैसे जान लेते थे थ्रू द न्यूज़पेपर? जो भी न्यूज़पेपर में चीजें प्रिंट होती थी कि आज ये दुनिया में चल रहा है आज ऐसा हुआ कल वैसा हुआ आज इसने ऐसा किया सारी वर प्रिंटेड ऑन एंड बिकॉज़ ऑफ दैट पीपल आर वर अवेयर आज आज ऐसा हो रहा है है वैसा होने वाला सो so, so, लोगों में ज्यादा करके कब ऐसी भावना ऐसे जागरूक हुई कि जब न्यूज पेपर एक उनका जरिया बन गया इंफॉर्मेशन का पता चलने में न्यूज पेपर बिकम मास मीडियम सो फर्स्ट मास मीडियम न्यूज पेपर जो सर्क्यूलेट होता रहता था यहाँ वहां मतलब सारी जगह भी देखो हम सुबह सुबह उठते हैं तो न्यूज पेपर वाले आते हैं है ना सुबह कोई पांच बजे आएगा कोई सात बजे गेट के पास रख के चले जाते हैं वो लोग है ना तो वैसे ही न्यूज न्यूज़पेपर इज अ पब्लिकेशन विच मेनली प्रिंट न्यूज एडिटोरियल्स अभी देखो यहाँ पे न्यूज़पेपर इज अ न्यूज़पेपर इज अ पब्लिकेशन जो चीजें प्रिंट होती थी पब्लिक तक पहुंचती थी विच मेनली प्रिंट्स न्यूज जो खबरें होती थी वो वो लोग देते थे एडिटोरियल्स एडिटोरियल्स का मतलब क्या होता है कि जो न्यूज़पेपर का हेड होता था एडिटर होता था उसके भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज थे सो so, जिसके वो जब वो लिखता था तो उसको क्या बोलते थे एडिटोरियल्स पब्लिक के ओपिनियन क्या है एंटरटेनिंग और अदर सप्लीमेंट्री कंटेंट अभी देखो आपने अगर एक न्यूज़पेपर ले लिया उसमें सब डिवीजंस होते हैं आज इंटरनेशनल में ये हुआ तो बॉलीवुड में ये हुआ एंटरटेनमेंट में ये हुआ हर एक चीज का एक डिविजन होता है सब एक ही में वो लोग लिखते हैं नहीं है ठीक है देन इट इज अ प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलरली एट अ डेफिनाइट टाइम और ये प्रिंट भी होता था लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी होता था डेफिनाइट टाइम पे ऐसा नहीं आज प्रिंट किया है तो परसों जाएगा फिर परसों प्रिंट किया है तो चार पांच दिन बाद जाएगा ऐसा नहीं है उसका प्रिंट करने का भी एक टाइम होता था डेफिनेट फिक्स टाइम एंड वो लोगों तक पहुंचाने का भी वो डेफिनेट और फिक्स टाइम होता था ठीक है सो न्यूज़पेपर प्रोवाइड वेरियस लोकल नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज न्यूज़पेपर आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट विच रिकॉर्ड करेंट इवेंट्स सो अभी देखो यहाँ पे कि न्यूज़पेपर क्या प्रोवाइड करता था लोकल पीपल क्या कर रहे हैं उनकी जो भी जो भी जो रोजी रोटी है जो बेसिक नीड्स है वो लोग कैसे रन कर रहे हैं अपनी सारी चीजें देखो यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल न्यूज कि आज नेशनल नेशनलिटी में क्या चल रहा है इंटरनेशनल में क्या हुआ किसके बीच आज वॉर होने वाला है किसने किससे क्या कहा सारी चीजें वो प्रिंट होती थी किस पे? न्यूज पेपर में एंड न्यूज पेपर के थ्रू ही लोगों को लोगों में वो बातें पहुंचती थी प्री करसर ऑफ न्यूज पेपर प्री ऑफ न्यूज पेपर प्रीकर्सर ऑफ न्यूज़पेपर का मतलब क्या होता है प्रीकर्सर मतलब कि न्यूज़पेपर आने के पहले बिफोर अभी तो ब्रिटिशर्स आए ब्रिटिशर्स आने के बाद न्यूज़पेपर आया तो न्यूज़पेपर के थ्रू तो लोगों में ऐसी बातें पहुंच जाती थी पब्लिकेशंस होते थे उसमें चीजें लिखी हुई होती थी तो वो लोगों तक तो पहुंच जाती थी बट जब न्यूज़पेपर नहीं था उसके पहले क्या होता था उसके पहले कैसे चीजें लोगों तक पहुंचती थी कैसे वो देखते सो देखो यहाँ पे कॉमन एट पब्लिक प्लेस यहाँ पे देखो बिफोर द बिगनिंग ऑफ कॉमन एरा वहां पे एक रिवाज था कस्टम था कि लोगों तक अपनी बातें पहुंचाई जाए कैसे वहां पे एक शाही रिवाज चलता था रॉयल डिकीज

अभी भी आप कहीं पे जाओगे अगर आप बहुत पुराने जमाने के किसी बंगले को देखो कहीं पे भी देखो तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ होता है तो वो किससे वो होते थे अगर आप देखो गोल्ड पे मेटल पे वो लोग के कुछ डिजाइन होते हैं है ना अभी देखो आप कॉइन से देख लो आप सोचो कि यार कॉइंस पे ये शिवाजी महाराज कैसे छप गए वो ऐसे कैसे हो गया सो so वो कार्विंग की जाती थी कि लोगों तक पहुंचाई जाए ये बात बल नहीं होते थे देखो अभी एम्पेर अशोका ऑल्सो रेसोटेड टू सिमिलर मैथड टू रीच आउट टू हिस सब्जेक्ट सो रेसोर्टेड का मतलब क्या होता है फॉलो ये फॉलो करते थे सिमिलर मैथड लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने में

Uh, राजा को वो देता था या फिर राजा उनको देते दे थे कि जाओ ये लोगों तक मेरी बातें पहुंचा क्या हो? तो वो ये दे ओपन लाइक दिस पे दो ऐसे देखो वहां पे दो ऐसे लकड़ियाँ रहती थी एंड बीच में वो लोग ऐसे खोलते थे उसको आप मूवीज में देख सकते हो वैसे सो so वो लोग उसको ऐसे पढ़ते थे एंड लोगों तक अपनी बातें पहुंचाते थे ठीक है दे दे ऑल्सो कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द नेशन एंड इट्स कैपिटल एंड उसमें सिर्फ उनका ही मतलब नहीं होता था बट ऑल्सो वो लोग उसमें क्या लिखते थे कि आज नेशन में क्या हो रहा है हमारे बीच में क्या हो रहा है आगे बहुत ही ज्यादा अवेयर होना आगे ऐसी घटनाएं हो सकती हैं तो राजा महाराजा अपने लोगों तक ये सारी चीजें पहुंचाते थे समझ में आ रहा है सो so, देखो यहाँ पे ड्यूरिंग जूलियस कैसर न्यूज पेपर नोन एज एक्टा सो देखो जब ये जूलियस कैसर का एरा चल रहा था उनके टाइम पे जो न्यूज पेपर है उसको क्या बोलते थे एक्टा ड्योरना और एक्टा ड्योरना का मतलब क्या होता है एक्ट ऑफ एवरी डे एक्टा ड्योरना का मतलब क्या होता है एक्ट ऑफ एवरी डे देख लो यहाँ पे ध्यान से एक्ट ऑफ एवरी डे न्यूज पेपर है न्यूज पेपर रोज छपती है सो so, रोज छपने का मतलब जो चीजें रोज हो रही है डेली बेसिस पे हो रही है वो सारी चीजें न्यूज में प्रिंट हो रही है तो इट्स नथिंग बट द सेम सो वहां के लोगों में क्या होता तो था एक्ट ऑफ ड्योरना मतलब कि एक्ट ऑफ एवरी डे जो भी डेली कार्य हो रहे हैं उसको वो लोग न्यूज बोलते थे तो वो लोगों तक पहुंचाए जाते थे बहुत ही ज्यादा अच्छा तरीका था की लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का और प्रभावित करने का इन द सेवेंथ सेंचुरीब्यूटेड एमंग पीपल एट पब्लिक प्लेसेस इन इंग्लैंड हैंड आउट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओकेजनली अभी देखो यहाँ पे जो सेंचुरी में डिक्टेट्स सेवेंटेट जो होते थे वो लोग पीपल को ये देते थे सारी चीजें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे एंड इंग्लैंड में ऐसे छोटे छोटे पैम्पलेट वगैरह बनते थे जो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होते थे ताकि वो लोग को सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ आ जाए समझ में आ रहा है नेक्स्ट सो गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट वॉर्स और इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या होता है देखो आपने पिक्चरों में देखा होगा कि अगर कोई टूरिस्ट या ट्रैवलर अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में जा रहा है एंड उसको वो चीजें पता नहीं की यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है तो लोग क्या बोलते हैं लोग कुछ ऐसे कुछ उनके बारे में बुरा बुराई कर देते हैं कुछ अच्छा बता दे तो कुछ कुछ उसी में मिर्च मसाला डाल देते हैं हाँ ऐसा हुआ था हाँ वैसा हुआ था तो वो लोग के माइंड में क्या होता है कंफ्यूजन आ जाता है कि अच्छा ऐसा होगा तो हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे कोई कोई तो रॉन्ग वे बता देता है नहीं आप यहाँ से जाइए ठीक है तो कभी भी हम रियल लाइफ में भी देख सकते हैं कि हम किसी के बारे में कुछ भी उल्टी सीधी बातें कर लेते हैं या फिर उसमें कुछ और मिर्च मसाला डाल के बता देते हैं तो दिस इज वेरी रॉन्ग एम्बेडर ऑफ अंग पोस्टेड एट वेरियस प्लेसेस वुक इंपोर्टेंट न्यूज टू द रॉयल कोर्ट तो अभी देखो जो किंग का एम्बेसर होता था वो बहुत सारे लोगों तक अपनी बातें पहुंचा के बहुत सारे लोगों तक रहता था एंड जो भी वहां से चीजें आती थी अगर उनको भी जो एम्बेसडर को कुछ चीजें पता चलती थी तो वो भी शाही दरबार में रॉयल कोर्ट में अपने किंग को आके प्रेजेंट करता था जैसे की एक राजा ने दूसरे राजा को कोई तो संदेश भेजा ठीक है कि आज हम इस मुद्दे पर लड़ाई करने वाले हैं अगर आज ये मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ तो हमारी लड़ाई पक्की है तो एक एम्बेसडर होता था उनका कि वो वो किंग एक किंग की बात दूसरे किंग तक वो जाके पहुंचाता था फिर वो किंग ने क्या बोला फिर वो यहां तक लेकर आता था फिर सब ऐसे महाराजा बीच में बैठ के पूरे दरबारियों के सामने जो भी चीजें होती थी वो प्रेजेंट करते थे ठीक है ऑल राइट नेक्स्ट प्रोसीड फॉर्दर बेंगाल गैजट द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज पेपर ऑफ इंडिया वॉज प्रिंटेड ऑन ट्वेंटी जनवरी सेवनटीन एटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये द फर्स्ट इंग्लैंड न्यूज पेपर ऑफ इंडिया वॉज प्रिंटेड ऑन ट्वेंटी जनवरी सेवनटीन एटी सो वेरी फर्स्ट न्यूज पेपर कब प्रिंट हुआ था इंग्लैंड में ट्वेंटी जनवरी सेवेंटीन एटी में ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है ओके इट वॉज नेम्ड एज कैलकटा जनरल एडवर्टाइजर एंड इसका नाम क्या था कैलकटा जनरल एडवर्टाइजर और बंगाल गैजेट सो जब भी ये और लगता है ना और का मतलब क्या होता है ये भी और ये भी समझ में आया सो so, वैसे इट वॉज स्टार्टेड बाई जेम्स ऑगस्टस हिक्की एंड इरेज जेंटलमैन एक आयरलैंड एक देश था एंड वो जेंटलमैन थे वहां के वो ले, लोग थे देखो इंडिया एक कंट्री है तो हम क्या उसको कहलाते इंडियन वी आर इंडियंस बिकॉज़ वी बिलोंग टू इंडिया सो वैसे ही आयरलैंड एक देश था एंड ये जेंटलमैन थे हु बिलोंग्स टू आयरलैंड ओके एंड इट वॉज स्टार्टेड बाय हु जेम्स ऑगस्टस हिक्की समझ में आ रहा है ये नेक्स्ट दर्पण दर्पण द न्यूज पेपर दर्पण वॉज स्टार्टेड इन एटीन थर्टी टू इन मुंबई न्यूज़पेपर so, दर्पण वो कब स्टार्ट हुआ 1832 में और वो भी कहां पे मुंबई में कहां पे मुंबई में दर्पण न्यूज़पेपर वो स्टार्टेड व्हेन 1832 में एंड इन बाल शास्त्री जांबेकर वॉज द एडिटर ऑफ दर्पण सो so, किसने इसके किस एडिटर कौन थे दर्पण के बाल शास्त्री जांबेकर समझ में आया The news printed in Darpan yeah, it is not working. देखो यहां पे सबको विजिबल है ये बोर्ड हाँ द न्यूज प्रिंटेड इन दर्पण कैन बी रीव्यू टू नो अबाउट द पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल सो ये न्यूज जो होते थे वो क्यों प्रिंट होते थे ताकि लोगों तक ये बातें पहुंचे कि उनके सामाजिक स्थिति क्या है आर्थिक स्थिति क्या है पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है सारी चीजें ठीक है अभी मुझे एक बात बताओ अगर हमारे पास मोबाइल नहीं होता टेलीविजन नहीं होता कुछ नहीं होता तो हम जान पाते क्या कि हमारे देश दुनिया में क्या चल रहा है हमारे क्रिकेटर्स क्या कर रहे हैं हमारे फुटबॉलर्स क्या कर रहे हैं या फिर इवन हमें कुछ आ नहीं रहा तो हम सीखे कहाँ से ऐसा कुछ नहीं हो पाता तो ये बहुत ही ज्यादा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सो वैसे ही उस टाइम पे ये दर्पण न्यूज पेपर था जो लोगों तक क्या पहुंचाता था न्यूज लाइक पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स ऑफ टाइम्स सो हियर आर अ फ्यू न्यूज टाइटल्स एग्जाम्पल्स दैट इज द फर्स्ट अकाउंटेंट्स द फर्स्ट अकाउंट्स दट इज दर फ्रॉम थ्री एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी उनके अकाउंटेंट होते थे जिनके खर्चे होते थे एक्सपेंस होते थे सारी चीजें यहाँ पे बताई जाती थी लाइक द डेंजर ऑफ रशियन अटैक द डेंजर ऑफ रशियन अटैक ऑन द नेशन देन वो सारी न्यूज पेपर में बताती थी कि लाइक आपके सोशल में पॉलिटिकल चीजों में इकोनॉमिक में सारी चीजें आपको कैसे कैसे अच्छे प्रॉपर वे में रखनी है ठीक है न्यूज पेपर इट मींस की लाइक उनका एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था दैट टाइम सो अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिटी देन क्लीनिनेस ऑफ द सिटी रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज लाइक जिसके हजबेंड की डेथ हो जाती थी तो उनके फिर से उनकी शादियां करवानी है या फिर कुछ करना है तो लोगों में एक वो एक अवेयरनेस क्रिएट करते थे द इंसेप्शन ऑफ द थिएटर एट कैलकत्ता अचीवमेंट्स ऑफ वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ दो राजा राम मोहन रॉय जो थे वो इस तरीके से जो भी उनके अचीवमेंट्स होते थे वो इस तरीके से लोगों तक पहुंचाते थे ठीक है नेक्स्ट देखते हैं सो so स्टूडेंट आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे ओके आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा इसके ये चैप्टर के कितने मार्क्स कैरी होते हैं कितना इसका वेटेज है क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब बता दूंगी मैं आपको ठीक है तब तक आप ये वीडियो को शेयर कर दो एंड लाइक सब्सक्राइब कर दो थैंक यू वेरी मच